नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसमें जहां पहले दौर में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी की गिरफ्त में आई और उसके बाद कड़ी दर कड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त कारोबारियों और नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आ लगे और ऐसे में ईडी की टीम जब कोलकाता के बड़े कारोबारी अमित अग्रवाल को शिकंजे में लिया तो कई नाम सामने आ गए हैं। अभी तक कोयला कारोबारी सोनू अग्रवाल के साथ साथ कुछ अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं और जिन पर ईडी की तलवार अब लटकने लगी है। उधर बीजेपी के नेता लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि राज्य को नहीं बल्कि देश भर में ईडी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इस मामले में कई बातों पर अब लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं और यहां तक कि निर्दलीय विधायक भी अब झारखंड में सवाल खड़े करने लगे हैं। क्या कुछ सवाल हैं, क्या कुछ जवाब हैं, पहले वो आप सुनिए। मैं आगे क्या कार्रवाई होगी, इस राज्य में प्रशासनिक और पुलिस सेवा के भी बड़े अधिकारी हैं जिनका संबंध इनसे रहा है। ठीक है, ये फेसबुक पर बात करते हैं, स्काइप पर बात करते हैं, बात पकड़ में नहीं आएगी। अगर किसी अधिकारी के साथ ये दोनों दिन तक यात्रा करते हैं कहीं, तो दोनों मोबाइल का लोकेशन तो एक साथ मिलेगा, कहीं रहते हैं तो रहेगा। इसलिए ईडी को इसमें बड़ी मेटिकुलसली काम करके नतीजे पर पहुंचना होगा। देखिए, झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में जब कांग्रेस के शासन था तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ईडी जो है अवैध संपत्ति सीज करके जब्त किया था। अभी 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है भ्रष्टाचार में लोगों की। तो आप समझ सकते हैं, चाहे प्रशासन में शासन में बैठे हुए लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो जो है ईडी उस पर कार्रवाई कर रही तो परत दर परत अब मामले खुलने लगे हैं और बहुत बड़ा सवाल कि आखिर इस पूरे भ्रष्टाचार में कौन कौन संलिप्त है। इस पूरे जानकारी को ईडी कलेक्ट करने में लगी हुई है। अमित अग्रवाल की जब गिरफ्तारी हुई, रिमांड पर लिया गया 7 दिन के लिए ईडी की तरफ से और पूछताछ लगातार अमित अग्रवाल से जारी है और पूछताछ में कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिसके बाद ईडी ने उन अधिकारियों और उन नेताओं के भी नाम, उनके बारे में जानकारी मांगी है पुलिस प्रशासन से, विभाग से। वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की हम कोशिश करते हैं कि वो आखिर कौन कौन से नाम है जिनके बारे में पूरी डिटेल मांगी गई है। जगन्नाथ महतो जो कि शिक्षा मंत्री हैं, मंत्री और उनके पीए पवन कुमार ने अकूत संपत्ति हासिल की है, ये बड़ा आरोप लगा है। आईएएस के खंडेवाल हैं जिन पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव रहते हुए पद का दुरुपयोग करते हुए अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। आईएएस अमित रेणु हैं जो कि एसपी गिरिडीह की, इन पर भी अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। अनिल कुमार सिंह जो कि एसडीपीओ हैं, इन पर भी बड़े आरोप लगे हैं। सभी पर लगभग एक जैसे आरोप हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अकूत संपत्ति अर्जित करने का ही आरोप लगा हुआ है और इन सारे अधिकारियों को लेकर के जानकारी मांगी गई है ईडी की तरफ से। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से वो नेता हैं, कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उनके नाम आने अभी बाकी है और जो ये ईडी की तरफ से जानकारी मांगी गई है, इस जानकारी में क्या कुछ ईडी को जवाब दिया जाता है। हमारे साथ फिलहाल कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशांतो मुखर्जी जी हमारे साथ मौजूद हैं, महसस के नेता हैं। सुशांतो जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रतुल सहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रतुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश सिन्हा जी आपसे, देखिए दर परत परत दर परत नाम सामने आ रहे हैं और अब तो शिक्षा मंत्री तक का नाम सामने आ गया है, उनके पीए का नाम सामने आ गया है। अभी तक आप आरोप ये लगा रहे थे कि दरअसल ईडी की कार्रवाई किसी के इशारे पर हो रही है, अब आप क्या कहेंगे जब नाम सामने आ रहे हैं? नहीं, ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नाम सामने आ जाए, लेकिन आज तक ईडी ने जो कार्रवाई की है विपक्ष के लोगों के दरवाजे पर आकर के, आज तक ईडी ने उसका कोई सबूत पेश नहीं किया है। और हमें यह लगता है कि अगर बदनाम करने के लिए अगर ही ईडी अगर यह काम कर रही है तो किसी का भी नाम ईडी सम्मिलित कर सकती है, लेकिन आप साक्ष्य देंगे ना? आज तक किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति जिस पर ईडी ने कार्रवाई की है, जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो या वो जन नेता हो, आज उनके खिलाफ ईडी
सबूत नहीं पेश कर पाई है कि इन पर क्या आरोप सिद्ध हुआ जिसके कारण हम इनके घर पे ईडी की छापेमारी हुई, ये आज तक नहीं हो पाई है। तो स्वाभाविक तौर से अगर एक भय का वातावरण पैदा करना है इस लोकतांत्रिक देश में तो भय का वातावरण पैदा करें। अगर न्यूज व्यूज पैदा करना है तो ईडी किसी के दरवाजे पर जा सकती है, न्यूज मिलेगा, उसका व्यूज भी निकलेगा, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो राज्य की जनता जानती है। ठीक है मुखर्जी साहब, आपके क्या विचार हैं? अब ये तो कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि भाई सबूत नहीं पेश हो रहे हैं, लेकिन ऐसे नाम सामने आ रहे हैं और उसके बाद प्रदेश में खलबली मच रही है। जी निश्चित निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। अगर ईडी के तरफ से किसी के ऊपर अगर नाम आ रहे हैं निश्चित जांच, और ईडी भी जांच इसी तरह से करे कि ऐसा नहीं कि हमें लगता है कि ईडी की जो हम दो दिन पहले भी कहे थे ये जो खेल जो चल रहे हैं ना ईडी के, आप देख सकते हर स्टेट में किस तरह से चल रहे हैं, किसको किसको किए जा रहे हैं, किनको जरूरत है बीजेपी की, अगर बीजेपी किन्हीं को लेना है तो उनके घर में ईडी। क्या मतलब कितना सुंदर है बताइए, बड़ा अच्छा लगता है कि भाई अगर ज्वाइन कराना है तो ईडी भेज दो, आसाम के सीएम बन जाओ। लेकिन कोई जांच में देखिए कुछ ला नहीं रहे हैं। अब देखिए इतने बड़े जांच हो गए आसाम के मुख्यमंत्री के ऊपर, कांग्रेस के थे बड़ा जोरदार जांच हुए, लेकिन जहां मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के अब कोई जांच नहीं। हमारे यहां पर है स्वास्थ्य मंत्री, जांच हो रही है, होते रहेंगे, कब तक चलेंगे कोई ठिकान नहीं है। बंगाल में भी यही हाल है, अब महाराष्ट्र में देख लीजिए, हर जगह जहां जहां तकलीफ थे सारे तकलीफ वाले को बीजेपी ने ज्वाइन करा लिया और उनकी तकलीफ दूर करा दिया। बड़ी अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए, लेकिन लोगों के पास बीच में एकदम साफ आना चाहिए कि भाई हम एक तरफा नहीं है, हम दो तरफा है। अगर मेरे पास वो आ भी जाए उसके ऊपर हम निश्चित पनिश करेंगे और उसको सजा दिलाएंगे और ईडी उस पर कार्रवाई करेगी, उसे कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। अब किसी के ऊपर जांच हो रहे बोल रहे भाई जांच हो रहे तो क्या हो गया। ठीक है प्रतुल जी, ये बड़े आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने की एक कोशिश है, मतलब डराया जाए धमकाया जाए और उसके बाद सामने वाले को अपने पाले में लाया जाए और विपक्षी दल को कमजोर किया जाए। योगेश जी शायद ये अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को याद करके बोल रहे हैं, जिस समय एजेंसियां इनके सरकार के इशारों पर नाचा करती थी। देखिए मैं सबसे आप मुझे सुन पा रहे हैं योगेश जी? जी जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। जी मैं कह रहा था कि झारखंड में जो कुछ भी हुआ 1000 करोड़ रुपए का सिर्फ साहिबगंज में घोटाला हुआ था जो ईडी ने अपनी प्रारंभिक जांच में बताई, और ऐसे 12 जिले हैं जहां पत्थर और कोयला खान जो है वहां काफी हद तक माइनिंग होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के 33 महीने के कार्यकाल में जब ईडी का इनिशियल एस्टिमेट 1000 करोड़ रुपए, जब इन्होंने पहले किया था तो वो 100 करोड़ था, लेकिन जैसे जांच होती गई परत दर परत जांच के आगे बात बढ़ती गई 1000 करोड़ रुपए का सिस्टमैटिक लूट हुआ। इन्होंने कहा कि ईडी टारगेट करती है अपोजिशन के लीडर्स को, तो क्या हमने कहा था इस सरकार के विधायक प्रतिनिधि को कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें फाइटर प्लेन्स लैंड करते हैं उतना बड़ा पानी का जहाज इलीगली वो चलाए गंगा नदी पे पत्थरों की जो अवैध व्यापार है उसके लिए, क्या हमने कहा था इस सरकार को कि अवैध खनन का ऐसा हो रैकेट चलाए कि विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कोल इंडिया की जो अनुषंगी इकाई है झारखंड में बीसीसीएल और सीसीसीएल उस पे भी प्रोडक्शन को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। देखिए सत्ता के गलियारे में जिन बड़े लोगों की धमक थी वो अमित अग्रवाल हो, प्रेम प्रकाश हो, या माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हो पंकज मिश्रा जी, ये सभी या तो जेल में है या ईडी इनके इनसे पूछताछ कर रही है। तो ये क्या हम लोगों ने तो नहीं कहा था? और जहां तक इनका ये कहना कि अभी सरकार में, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ नए नाम आए हैं, कुछ मंत्रियों के नाम आए, काफी अधिकारियों के नाम आए हैं, और देखिए एक चीज योगेश हम भी और आप भी समझते हैं कि इतना बड़ा जब कोई रैकेट चलता है तो बिना अधिकारी और पॉलिटिकल क्लास के, सत्ताधारी पॉलिटिकल क्लास के मिली भगत के बिना नहीं चल सकता, तो अधिकारी भी इसमें दोषी है। बस मैं खत्म कर रहा हूँ योगेश, मुझे 10 सेकंड में। तो हमारा यही मानना है कि अभी जिनके नाम आए हैं उनके बारे में टिप्पणी करना जल्दबाजी हो जाएगी। ईडी की जांच का जो ये रिपोर्ट है वो आने दीजिए, अभी तो सिर्फ इनके नाम आए हैं, इनके बारे में डिटेल मांगा गया ईडी के द्वारा, लेकिन सच में जो झारखंड में 33 महीने में हुआ, जो अभूतपूर्व
लूट हुआ जिसका एस्टिमेट शायद 10,000 करोड़ रुपया 15,000 करोड़ रुपया, ये ईश्वर भी लगा पाना ईश्वर को भी मुश्किल है कि कितने की लूट हुई है। ईडी जांच करी, और जहां तक ये इनका कहना कि सिर्फ ईडी हमारे विपक्ष के राज्यों को टारगेट करती है, ये शायद भूल जाते हैं कि जो गुजरात के बड़े लीडर थे बीजेपी के शर्मा जो उपाध्यक्ष भी थे, उनके घर ईडी का छापा पड़ा था, पार्टी ने दूसरे दिन उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था, ये पिछले 2 महीने की बात है। और अगर इनको हमारे नेताओं के प्रति कोई भ्रष्टाचार का आचरण का लगता है शिकायत करें भाई, लेकिन हमारी भ्रष्ट संस्कृति इनके तरह नहीं ना है। 2G 3G 4G जीजा जी कॉमनवेल्थ पता नहीं कौन कौन से घोटाले जिस पार्टी के कार्यकाल में हुए हो, तो वो उनको जरूर ऐसा दिखेगा। अगर इनको लगता है कि हमारे किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया तो शिकायत करें, ये शिकायत करेंगे नहीं और यहीं बैठकर कहेंगे कि भाई नहीं ईडी कुछ नहीं कर रही कुछ नहीं कर रही, क्योंकि हमारे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का ऐसा आरोप नहीं लगा तो कहां से ईडी जांच करेगी, और है तो आप करें बिल्कुल जांच होगी। राकेश सिन्हा जी, देखिए भाई बीजेपी के नेताओं के घर पर भी बताया अभी प्रदुल जी ने कि गुजरात में सूरत में भी छापेमारी की गई ईडी की तरफ से, उत्तराखंड में भी बीजेपी के नेता के रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है कोई सबूत है तो आप शिकायत करिए। अगर हमारे नेता के पास भी कोई भ्रष्टाचार का सबूत है तो बताए, आप भ्रष्टाचार का सबूत आने दो तब ना, केंद्र की सरकार आपकी है, आप तो पूरे भ्रष्टाचार करके उसके फाइल पर बैठे हुए हो, तो भ्रष्टाचार का सबूत कहाँ से मिलेगा? भ्रष्टाचार का सबूत का प्रमुख अंग ये सब क्या था? ये सब जो अंदर है सीएम साहब के विधायक प्रतिनिधि, ये सब क्या है? सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार को केंद्र सरकार ने पूरी तरह कमजोर करने का काम किया, ये भी किसी से छिपी हुई है क्या? सूचना के अधिकार का भी उपयोग अब आम जनमानस नहीं कर पाएंगे सही ढंग से, ये केंद्र सरकार ने लाया है। तो आप जब फाइल पर बैठ गए हो तो जब आपकी सत्ता जाएगी उस वक्त बताया जाएगा कि आपने एक लाइन से कि कौन कौन सा भ्रष्टाचार किया। आज भूखमरी में पूरा देश जो है हमारा 101 अंक प्राप्त किए हुए हैं। नहीं झारखंड में, अरे ठीक है झारखंड में तो आप सरकार में है ना, अरे सुन लीजिए राकेश जी, झारखंड में तो आप सरकार में है, आप इनके नेताओं के जो पुराने कारनामे हैं क्यों नहीं खोल पाए अब तक? मैं भाई कह रहा हूँ ना, खुल जाएंगे, धैर्य रखिए ना, हम इनके ऐसा एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करते, हम इनके ऐसा भाजपा के ऐसा एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करते। जांच हो रही है। स्वाभाविक तौर पे अगर जांच होगी तो सब जेल के सिकंजे के पीछे होंगे, थोड़ा धैर्य बना के रखें। ठीक है प्रतुल जी, आप बोलिए, उसके बाद आते हैं आपके पास। सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है, अच्छा ठीक है प्रतुल जी, आप बोलिए, मुखर्जी जी आप उसके बाद आपके पास आते हैं। सिर्फ 10 सेकंड ले रहा हूँ, बोलिए। अभी मैं आदरणीय राकेश सिन्हा जी विद्वान प्रवक्ता कांग्रेस को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो सूचना का अधिकार कानून है उसको हम लोगों ने कमजोर कर दिया। कैसे कमजोर किया इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने तो इस कानून को यहाँ दफन कर दिया। 35 महीने से सूचना आयोग खाली है, सरकार अभी अपील भी करे सरकार के खिलाफ विभागों के खिलाफ तो एक भी सूचना आयुक्त नहीं है। तो ये जो भ्रष्टाचार का खेल हुआ ये झारखंड में कवर अप करने के लिए, इन्होंने लोकायुक्त के पद को नहीं भरा और सूचना आयुक्त का पद पिछले 35 महीने से खाली है। तो अब आप सोच सकते हैं इनके भ्रष्टाचार का आचरण क्या हो सकता। झारखंड में एक भी सूचना आयुक्त आज के दिन में नहीं है, तो अगर आप सूचना के अधिकार के तहत किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने जाएंगे तो झारखंड में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 35 महीने से कोई सूचना आयुक्त नहीं है। और अगर आपको मिल भी जाता है तो आप शिकायत कहां करेंगे, क्योंकि लोकायुक्त का पद भी पूर्व लोकायुक्त आदरणीय माननीय DN उपाध्याय के बाद खाली है। सूचना आयुक्त नहीं है तो आप अपने अपने बेटों पर भरोसा कर लीजिए, भाजपा के विधायकों पे भरोसा कर लीजिए, सूचना आयुक्त कल बन जाएगा। तो आप तो बोरो प्लेयर पे भरोसा कर रहे हैं, आप तो बोरो प्लेयर पे भरोसा कर रहे हैं। राकेश जी, आप डिस्कशन को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं, मेरा आपसे सिर्फ एक आग्रह। चलिए ठीक है सूचना आयुक्त आएंगे फिर आएंगे। सुशांत जी ठीक है राकेश जी आएंगे आपके पास। मुखर्जी जी का कमेंट ले लेते हैं, मुखर्जी जी से भी जानकारी ले लेते हैं, पूछ लेते हैं उनकी भी क्या राय है। मुखर्जी जी, आप कह रहे हैं कि ठीक है, आपका भी वही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो बदले की भावना के तहत ये कार्यवाही कर रही है, बात हम आपकी एक बात अगर मान भी लें तो झारखंड में सरकार कांग्रेस और JMM है, लेकिन हम कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ववर्त में सरकार में रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार किया
तो क्या आप इतने दिनों से सरकार में हैं, आपके पास समय की अभाव था कि अभी तक आप उनका खुलासा नहीं कर पाए, उन भ्रष्टाचारियों को सामने ला नहीं पाए, वजह क्या है? नहीं 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 तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आप स्टेट की बात कर रहे थे कि आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, कि कंप्लेन नहीं करते भाई, ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। गुजरात में सिप से जो आए थे वो पता था ना किनका था, उस पर जांच किए क्या केंद्र सरकार? बड़े बड़े घोटाले जो अपने ऊपर रहते हैं वो जांच नहीं करते हैं। उतने बड़ा गुजरात में पकड़ाए हैं, पकड़ाने के बाद चुप क्यों? चुप भाई, किस लिए चुप? सवाल कुछ और करते हैं, आप जवाब कुछ और देने लगते हैं, समस्या यही रहती है। मैं झारखंड का जिक्र कर रहा हूं, ठीक है? हमने मान लिया। अरे सुन लीजिए मुखर्जी साहब, मुखर्जी साहब, आप जवाब लेने में खोजते हैं। सही बात है कि आपको जो मनपसंद रहता है वो जवाब मनपसंद नहीं रहता, आप अपने मन से बोलिए। लेकिन जो सवाल हमारा झारखंड का सवाल है, हमारा झारखंड का सवाल है कि झारखंड की सरकार में आप बैठे हुए हैं, अगर आप आरोप लगा रहे हैं सामने पर, तो उसके बाद आप बताइए ना कि अगर पूर्ववत में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो खुलासा तो करिए, उजागर तो करिए उनको, भ्रष्टाचारियों को। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब या तो मैं बोल रहा हूँ या सुशांतो जी बोल रहे हैं तो बीच में आपका वो इंटरफेरेंस हो जा रहा है, लेकिन जब भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो आप चुप रह रहे हैं, ऐसा नहीं। आप हमारी बात को भी सुनिए, एंकर का विशेषाधिकार है। सवाल आपसे पूछेंगे, अरे सुन लीजिए, रुक जाइए एक सेकंड, सुन लीजिए सुन लीजिए, सवाल सरकार से पूछेंगे, जाहिर तौर पर है केंद्र में केंद्र की सरकार से हम पूछ रहे हैं। अगर हम राज्य का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, आप केंद्र का उदाहरण दे रहे हैं, तो सरकार में आप हैं, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आप बताइए। आप कह रहे हैं, आप पलटवार कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो भ्रष्टाचार किया, तो जाहिर तौर पर हम सवाल आपसे ना पूछे कि आपने अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उनको उजागर क्यों नहीं किया? इसमें कौन सा गलत सवाल मैंने पूछ लिया आपसे? भ्रष्टाचार वाले तो उनके साथ है, मंत्री थे, 100 करोड़ रुपया के घोटाले में है, उनको क्यों रखे हैं? नहीं, इस राज्य के विधायक है, भानु प्रताप साहब विधायक है, कितने बार ईडी उनके दरवाजे पर गई है, ईडी जब तक बड़ा मजे है भाई, खुश रहिए सब, खुश रहिए, मुझे भी समझ है, खुश रहिए सब, क्योंकि सुनना भी आपको सुशांत जी, अगर कोई बोलेंगे तो एंकर बोलने लगेंगे। आप देखिए, चुन लीजिए कौन कौन स्टेट में क्या हो रहे हैं। शांत जी, मुझे सिर्फ एक मिनट बोलने देना। अरे बोले, मैं क्या रहा था आपका है? बोले नहीं, मैं एक मिनट चाह रहा हूँ सर। बोले राकेश सिन्हा जी भी हैं, मुझे एक मिनट भी मिल गया तो मैं खुश रहूंगा। मैं कह रहा था कि देखिए, इस जिस तरीके से झारखंड में भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 35 महीने में, और ये क्लेम करते थे कि हमारे 5 साल की जो सरकार थी उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ। इनके कार्यकाल का 29 दिसंबर को 3 वर्ष पूरा हो जाएगा। इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणा की थी, फलाना व्यक्ति जेल के भीतर, फलाना व्यक्ति जेल के भीतर, कौन आज तक जेल के भीतर गया? और इनके खुद विभागीय मंत्री ने जिन मुद्दों पे इन्होंने उठाया था, टॉफी घोटाला की बात की थी, टी शर्ट घोटाला की बात की थी, इनके विभागीय मंत्री का 2021 के जो शीतकालीन सत्र था उसमें जवाब था कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। फिर भी कोई जांच हो, हमें कोई एतराज नहीं, इनकी पुलिस, इनका विजिलेंस, वो जांच हो। लेकिन देखिए, इस सरकार में ये सरकार क्या कहकर आई थी सत्ता में कि हम जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन होता क्या है, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई करने वाली अगुवा नेताओं में एक है वासवी कीड़ो। उनकी विचारधारा भले हमसे नहीं मिलती हो, लेकिन हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, और उनके जमीन को इसी सरकार के कार्यकाल में जमीन दलालों ने बेदखल करने की उनको कोशिश की, उनके भाइयों को, और हुआ क्या, पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं किया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, दबाव डालना पड़ा। तो जब जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की सरकार में जमीन छीनी जाए जमीन दलालों के द्वारा, और सरकार चुप रहे और पुलिस का एक अधिकारी जाकर एक कब्जा दिलाने का काम करे, तो आप समझ सकते हैं कि जल, जंगल, जमीन का नारा देने वाली सरकार की असलियत क्या है। ये ईडी की जांच से इतना डर क्यों लग रहा है? 10,000 करोड़ का घोटाला आपने कर दिया, उस समय डर नहीं लगा? थोड़ा इंतजार कीजिए, ईडी की जांच समाप्त होने दीजिए, अब दोनों भाइयों से बुलवा लें। बोलिए राकेश जी, क्यों डर लग रहा है ईडी की जांच से, क्यों इतने आरोप लगा रहे हैं? अगर
आप निर्दोष होंगे, आपके लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त तो नहीं होंगे, तो कुछ कोई बात ही नहीं, जांच करने दीजिए, क्या दिक्कत है? और वासवी किरोजी के बारे में भी पूछ लीजिए, जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वाली उस महिला योद्धा के ऊपर क्यों जमीन कब्जा करने की घटना इनके कार्यकाल में पिछले महीने हुई? राकेश जी, हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा दिया जी, वही सवाल है, सवाल वही है कि भाई अगर आप निष्पक्ष हैं, निर्दोष हैं, आपके ऊपर कोई आरोप जो लगाए जा रहे हैं उनमें आप संलिप्त नहीं हैं, आपके लोग संलिप्त नहीं हैं, तो ईडी की कार्यवाही से इतना डर क्यों? नहीं नहीं नहीं, डर किसे? ईडी की कार्रवाई से डर नहीं है किसी को। ईडी की कार्रवाई चले, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप भाई का वातावरण पैदा मत कीजिए, आप किसी की छवि को ईडी को आगे ला करके बदनाम करने का अधिकार इस लोकतंत्र में किसी को नहीं है। मैं तो चोरी करना बंद कर दीजिए, भय का वातावरण खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल, चोरी जो आप लोगों ने किया है उसकी तो भी सजा मिलेगी ना, पुलिस सजा मिलेगी, आपके 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 विधायक के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लेकिन ईडी तो आज तक नहीं पहुंची, पलामू का तो रास्ता ईडी भूल गई, तो चिंता मत कीजिए, हम एक पक्षी होकर के काम नहीं करते, जो प्रशासन का जो जांच का एक दायरा है वो दायरा को पूरा तरह फुलफिल हो जाने दीजिए, चिंता मत कीजिए, चुनाव के पहले तक आपके तमाम नेता जेल में रहेंगे। देखिए बस यही कहकर, ये शूट एंड स्कूट की राजनीति होती है, दागो और भागो, तीन साल में ये कुछ नहीं कर पाए, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते थे कि तीन महीने में भाजपा के सारे मंत्री जेल में रहेंगे, नहीं है जो आप लोगों ने हाथी उड़ा करके इस राज्य को बर्बाद किया, आपकी सरकार, आप सत्ता में बैठे हैं, आप जो भी दोषी हो ठीक है वो आप उसे जेल भेज सकते हैं अगर उसका दोष प्रमाणित होता है, लेकिन राकेश जी तीन वर्ष का अलग है, तीन वर्ष का खाली इलीगल माइनिंग की, तीन वर्ष क्या, और भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस क्यों चुप है, क्यों चुप है कि आप लोग भी किलो का जमीन कब्जा होने देंगे आप? हम उनके साथ खड़े हैं, कार्रवाई आपके जैसे हम लोग नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है असली आनंद आप ही ले रहे हैं, आपस में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो चल रहा है, असली मजा हम और राकेश जी दोनों भाई हैं, अपने अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मुखर्जी जी, जी जी हाँ जी, देखिए ऐसी कतुल सदर जी जो बातें रख रही है वास्तविक कीड़ों की बात, निश्चित तौर पर ये बड़ी जघन्य अपराध है, ये घर पे आके सुबह 7:30 बजे आग लगा देना, घर को कब्जा करने के लिए शहर के बीचों बीच जो हार्ट ऑफ टाउन अल्बर्टेक का चौक, हमारे राजधानी रांची का, अभी तक प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से बता दे, अभी तक FIR नहीं हुआ, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी, हम भी थे, वासवी जी भी थी, आलोका भी थी, शर्म करो सरकार, के बाद भी वो बेटी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ती रही। जी जी, आपको बता दें कि लोक बाजार थाना अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, एक की और बढ़ गए हैं कि जिनके ऊपर हम लोग FIR कराने गए थे उनका अब 3 तारीख का काउंटर फाइल किए हुए हैं, FIR किए हुए, उसको उनको दिखाते हैं, हम उनको 10 दिन का टाइम दिए हैं कि आप सोच ले, नहीं तो आप सारे लोग आपके आ जाएंगे दरवाजा में, मतलब थाना में चले जाएंगे, और FIR कैसे नहीं करते देखते हैं, और जो भी गुप्ता हो चाहे वही आरोप आरोप है मुखर्जी जी, कोई अपने कामों को, कोई अपने भ्रष्टाचारों को स्वीकार कहां करता है, जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता तब तक वो अपने आप को साहूकारी बताता है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि कौन कौन ईडी की गिरफ्त में आता है और कौन कौन भ्रष्टाचारी हैं, इनाम सामने आ जाएंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में लगातार ईडी की कार्यवाही जारी है और ईडी की कार्यवाही में अब कई लोगों की जानकारियां मांगी गई हैं, उसमें मंत्री भी शामिल हैं और IAS IPS अधिकारी भी शामिल हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि अगला ईडी की गिरफ्त में कौन होगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस, नमस्कार।